तो भाई ये कहावत बहुत जोरों से जानी जाती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये कहावत सच हो गई है। जी हाँ, सच यहाँ पे नहीं हुई, सच हुई है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। और ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा मतलब बिग बॉस से ये खबर आई है कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी वाला सिस्टम हो चुका है। हम पुणे सुपरस्टार को तो जानते हैं, हाँ मीम वर्ल्ड वाले बहुत ज्यादा जानते हैं, और जिन्होंने बिग बॉस ओटीटी देखा होगा वो भी अब जानने लग गए। तो पुणे सुपरस्टार को जिन्होंने 24 घंटे भी नहीं बिता पाए बिग बॉस के घर में, उन्हें पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। भाई इतनी ज्यादा उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन कर ली वहां से कि डायरेक्टली उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 2 मिलियन टच हो गए। मतलब कहां वो 330K 340K पे थे, और जैसे ही बिग बॉस के अंदर गए और बाहर हुए, उनके फॉलोअर्स 3 दिन में कम से कम कितने हुए, 2 मिलियन पार हो गए। और ये तो रही बात उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में, जो मीमर्स उन्हें बहुत ज्यादा बैक करते हैं, मीमर्स के चहेते हैं लॉर्ड पुनीत यहाँ पे, बिकॉज वो उनको कंटेंट यहाँ पे देते रहते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ बात ये कि एमसी चैन जो प्रीवियस विनर रहे हैं बिग बॉस के, ठीक है भैया, उन पे मीमर्स ने कर दिया वार। अब वार क्या कर दिया भाई, कि एमसी स्टैन ने पुनीत को बोला था क्रीप, जानते हैं क्रीप बोला था, और ये क्रीप का बदला लिया मीमर्स ने, उनके फॉलोअर्स ने। उन्होंने क्या किया है कि एमसी स्टैन के फॉलोअर्स से 11.1 मिलियन, और जैसे ही उन्होंने पुनीत को बोला क्रीप, यहां से उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो गए स्वीप। कैसे स्वीप हुए, 11.1 मिलियन से गिर गए 10.9 मिलियन से। तो भाई हो गई ना बात, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आपके पास सामने से रिएक्शन आएगा। तो भाई ये थी लॉर्ड पुनीत पावर। तो आप भी बताइए भाई, आप किसकी तरफ है, एमसी स्टैन या फिर लॉर्ड पुनीत, बताइए।